गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में जो सब्जेक्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री है, उस ट्रिग्नोमेट्री को मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री की जो मेन फार्मूले हैं, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री की ए बी सीरीज को कहा जाता है, वो मैं अभी आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसको आप लोग अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज जो आपके बुकों में दी है वो पहली एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व भी कराऊंगा, तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। जो ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति, तो इसको एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो त्रिकोणमिति है ये तीन कोणों का समूह होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो मेन अप्लाई होती है वो त्रिभुजों में ही अप्लाई होती है। पूरा एनालिसिस ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुजों के बारे में होता है, और मिति होता है इसका मतलब ज्यामिति कह सकते हो, संधि छेद करे इसको आकृति भी कहा जाता है। तो त्रिभुज की आकृति का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। उसमें हमारे कोण भी होंगे, भुजाएं भी होंगी। ट्रिग्नोमेट्री वैसे किसी भी त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मेनली यहाँ त्रिभुज हम राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उस त्रिभुज में त्रिकोणमिति के सारे अनुपात अप्लाई होते हैं। जैसे इस त्रिभुज का नाम अगर हम ABC दे दें तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में आप हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस निकालना सीखें। हिंदी में कहा जाता है लंब, कर्ण, आधार निकालना सीखें। तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, 90 अंश के सामने की भुजा को कहा जाता है के। सिंपल सा है, 90 अंश के सामने की भुजा जो भी हो उसको लिख दो के। के मीन्स कर्ण। और जो कोण दिया जाए, जो भी कोण लिखा जाए, यहाँ लिखा जाए या यहाँ लिखा जाए, थीटा के सामने की भुजा को कहा जाता है लंब। अब बचा कौन हमारा, तीसरी भुजा आधार। एक इंग्लिश में, हिंदी में वर्ड बहुत फेमस है जिसको लोग कहते हैं लाल बटे कट्टा। जो लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग ना देख लें स्टार्टिंग है। लाल बटे कट्टा जो वर्ड है ये क्या करता है, त्रिकोणमिति के 6 फलन को परिभाषित करता है। जैसे आपका पहला होता है साइन थीटा, थीटा होता है उस त्रिभुज का कोण, साइन होता है त्रिकोणमिति फंक्शन। तो साइन थीटा में सबसे पहले वाला हम लोग कहेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा में कहेंगे आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा में लिखा है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा में लंब बटे आधार, तो टेन थीटा में लंब बटे आधार। अब इसके बाद जब ये तीन हो जाए तो याद रखिएगा साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है। तभी हमने देखो लिखा होगा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। बस केवल साइन वाले को पलटना है, तुम्हें इसको ऊपर करना है, इसको नीचे करना, के बटे एल कर देना। सेक थीटा में क्या करना है, के ऊपर कर देना, ए को नीचे कर दो, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक। अभी मैंने उधर लिखा भी है कि कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट थीटा का कहेंगे तो आधार बटे लंब, सेक थीटा का कहेंगे कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा का कहेंगे तो कर्ण बटे लंब। बाकी तीन में बता ही चुका हूँ। अब देख लो इसको, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, वो इसको पढ़ते हैं पी बी टी एच एच ए। इसका मतलब क्या होता है ध्यान से देख लो, ये लोग पढ़ते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारी सोच भी होती है कि पाकिस्तान हमारा भूखा प्यासा रहे और हिंदुस्तान मेरा हरा भरा रहे। तो त्रिकोणमिति फंक्शन पढ़ने के लिए ये लोग पढ़ते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। आप कहोगे सर इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है, ये एल है, एल का मतलब लंब, और लंब को अंग्रेजी में कहा जाता है परपेंडिकुलर। ए का मतलब आधार, और आधार को अंग्रेजी में कहा जाता है बेस। लंब है तो लंब का मतलब परपेंडिकुलर। इधर से देखोगे कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस लिखा है, फिर कर्ण है तो हाइपोटेनस, फिर आधार है तो इसको हम लोग यहाँ से आधार जाएंगे, हिंदुस्तान हरा भरा होता है, ये भी होता है कि बेस, बेस मीन्स आधार। तो बहुत लोग इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, इधर कहोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, नेक्स्ट में कहोगे तो एच अपॉन टी हो जाएगा, नेक्स्ट में कहोगे तो एच अपॉन बी हो जाएगा, इसको बोलोगे तो बी अपॉन टी हो जाएगा। वही बात है, तीन होते हैं, तीन के उल्टे नीचे वाले होते हैं। अब देखो इस ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हमको फार्मूले पढ़ने हैं, इनको जान लेना। साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है टेन थीटा, और इनको अगर आपने पलट दिया, क्योंकि मैंने भी यहाँ कहा है देखना जरा ध्यान से कि टेन का उल्टा है कॉस, अगर तुमने इसको ऊपर कर दिया इसको नीचे कर दिया तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट। इधर आओगे तो एक बटे टेन थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं, जो भी उल्टे होते हैं चाहे ये लिख दो एक बटे कॉट थीटा बराबर टेन थीटा, तब भी सही है। एक बटे साइन थीटा बराबर कॉसिक थीटा, या ये लिख दो एक बटे कॉसिक थीटा बराबर साइन थीटा, इसको लिखना है तो एक बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, जो कि कॉस का उल्टा सेक अभी बता चुके हैं। अब ये फार्मूले याद करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये आपका, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान एक होता है। फिर क्या करना, देखो कुछ नहीं करना, अगर आपको ये वाला याद है तो साइन को उठा के उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, वन माइनस साइंस का थीटा, तो वन माइनस साइंस का थीटा, तो यहाँ बचेगा क्या कॉस का थीटा, इसको उठा के उधर ले जाना है, इसको उठा के उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो वन माइनस साइंस का थीटा यहाँ बचेगा केवल कॉस, वही मैंने यहाँ लिख दिया है, तो वन माइनस साइंस का थीटा और कॉस का थीटा, या कॉस को इधर ले जाओ साइन को उधर ले जाओ, वन माइनस कॉस का थीटा और साइन का थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको देख लो बुकों में एक और दिया जाता है, एक को अगर इधर ले जाओ तो आप यही लिखोगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के बराबर में हमारा क्या हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा, इसको करोगे तो वन को उठा के उधर ले जाओगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको फार्मूले बहुत अच्छे से ध्यान देना है, कुछ फार्मूले और भी हैं इसको आप ध्यान से देख लो। एक फार्मूला आपको मिल सकता है कि साइन टू थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन टू थीटा का सूत्र बेटा होता है ये टू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। और एक फार्मूला और भी पूछा जा सकता है कि कॉस टू थीटा का सर क्या होता है, तो कॉस टू थीटा का आपका फार्मूला होता है, इसको अगर ध्यान से देखना, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको एक तरीके से और भी कहा जाता है, अगर देखना चाहो तो देख लो इसके कई फंक्शन होते हैं, तीन फार्मूले होते हैं इसके। कॉस टू थीटा का एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर तुम इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ देखो लिखा है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर इसको तुमने तोड़ दिया तो यहाँ लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये कर दो, अब ये माइनस का माइनस का जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। एक इसका और भी फार्मूला होता है, अगर आपने साइन को तोड़ दिया तो साइन को जब तोड़ोगे तो ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और साइन की जगह लिखोगे वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा है ही, तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ध्यान रखना है कि फार्मूले तीन बहुत फेमस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, कॉस टू थीटा के तीन फार्मूले होते हैं, इसलिए मैंने तीनों यहाँ बता दिए हैं। और भी अगर फार्मूले आपके भी हैं बुक में तो मैं आगे जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज कराऊंगा वहाँ इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, लंब का आधार को छांटना बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक मैं क्वेश्चन और यहाँ देखो बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कौन ऐसा सर कोई त्रिभुज मान दे दिया, ये कोण 90 दे दिया और ये कोण दे दिया थीटा, तो जो 90 दिया जाए 90 के सामने को तो कर्ण लिख ही देना, सोचना ही नहीं, और कोण जो भी थीटा ऊपर दिया है तो थीटा के सामने वाले को लंब लिख देना है, कुछ नहीं सोचना है,
अब बचा हमारा क्या आधार ए बी सी। इस हर त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी, जहां हमको जरूरत पड़ेगी वहां मैं लगाऊंगा, क्योंकि पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है, देख लो इसको मैं वैसे कक्षा 8 में आपको पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है ये क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर मींस हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर, हिंदी में कहें या बेस का होल स्क्वायर, और प्लस यहां से लंब का होल स्क्वायर। यही हमारी पाइथागोरस की प्रमेय है, इसको मैं अप्लाई करूंगा, दो भुजाएं दी जाएंगी, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आपकी लगाई जाएगी। चलिए ओके, थैंक यू।